और इसमें मान लीजिए गड़बड़ क्या है, अगर ये गड़बड़ है तो आपका सब गड़बड़ है, फिर आपका हिंदू का मुसलमान की गिनती क्यों होती है, एससी एसटी की गिनती क्यों होती है, फिर जानवर की गिनती क्यों होती है, फिर तब तो सभी चीज़ की गिनती जो होती है, गिनना होती है, वो गलत होगा। तो ये बेकार की बातें हैं। हम लोगों का मकसद है कि ग्राउंड रियलिटी को जानना, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बिहार में शुरू हुई जातीय जनगणना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है और सुप्रीम कोर्ट ने भी 20 तारीख को सुनवाई की तिथि दे दी है। और अब इसको लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि ये सब बेकार की बातें हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या कुछ कह रहा है उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, पहले आप वो सुने। गलत है ये, कास्ट बेस्ड सर्वे है, जाति आधार गणना, और भारत सरकार सेंसस करा सकती है, राज्य सरकार नहीं करा सकती, इसलिए ये कास्ट सेंसस नहीं है, कास्ट पेस सर्वे है। और इससे तो बहुत लाभ होना है बजट को लेकर के, और ये सिर्फ कास्ट बेस सर्वे ही नहीं बल्कि इसमें आर्थिक स्थिति क्या होगी लोगों की, उसकी भी गणना होनी है कि कौन लोग जो हैं किस हालात में हैं। और जब तक आपके पास साइंटिफिक डेटा नहीं रहेगा तब आप काम कैसे कीजिएगा, आप योजना कैसे बनाइएगा। तो इसलिए ये बेहद ज़रूरी है, और कई राज्यों ने तो पहले कराया था, और हम लोग जो है उत्तर भारत में पहली बार, आप समझिए जो 32 के बाद जो है 31-32 के बाद पहली बार बिहार में हो रहा है, तो आपको तो डेटा होना ही ना चाहिए कि क्या स्थिति है, लोग के लिए कल्याणकारी योजना हम कैसे लाएंगे, कौन लोग जो हैं गरीब हैं, इसमें सब कुछ पता चलेगा। और इसमें मान लीजिए गड़बड़ क्या है, अगर ये गड़बड़ है तो आपका सब गड़बड़ है, फिर आपका हिंदू का मुसलमान की गिनती क्यों होती है, एससी एसटी की गिनती क्यों होती है, फिर जानवर की गिनती क्यों होती है, फिर तब तो सभी चीज़ की गिनती जो होती है, गिनना होती है, वो गलत होगा। फिर तो ये बेकार की बातें हैं। हम लोगों का मकसद है कि ग्राउंड रियलिटी को जानना, और कौन लोग हैं भाई, आप बताइए, भीख मांगते हैं लोग, वो लोग कौन लोग हैं, कचरा धोने वाले लोग कौन हैं, सिवरेज साफ करने वाले कौन हैं, ठेला मजदूरी करने वाले कौन लोग हैं, कौन लोग जो हैं एक कमरे में अपनी ज़िंदगी बिताते हैं, कौन लोग हैं जो भूमिहीन लोग हैं, ये जब तक नहीं पता चलेगा तब तक आप काम क्या कीजिएगा, आप गरीबी कैसे ख़त्म कीजिएगा, आप लोगों को मुख्य धारा में कैसे लाइएगा, सबको बराबरी का मौका कैसे मिलेगा। तो जो लोग भी इस पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, यहाँ विधानसभा हो या परिषद हो, दो दो बार पारित हुआ सर्वसहमति से, सब दलों के सहमति से, प्रधानमंत्री जी से भी जब हम प्रस्ताव रखे थे मुख्यमंत्री जी के सामने, मुख्यमंत्री जी हम लोग सब लोग गए थे, तब बीजेपी के लोग भी थे, कौन सा दल ऐसा नहीं था, सारे दल थे बिहार विधानसभा में, जितने दल एग्जिस्ट करते हैं सब दल गए थे प्रधानमंत्री जी से मिलने। और वापस आ करके जब भारत सरकार ने मना ही कर दिया कि नहीं कराएंगे, तो आप समझिए कि हम लोगों का कमिटमेंट था कि हम लोग कराएंगे, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। और उस कराने से पहले बैठक भी बुलाई गई जिसमें कि भाजपा के लोग भी शामिल थे, उन लोगों ने भी सहमति जताई थी, उन लोगों ने भी कुछ सुझाव दिए थे, तो उसके बाद ही नहीं काम शुरू हुआ है। तो ये सब बेकार की बातें हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सीधे तौर पर तेजस्वी ने कहा कि जब बिहार में जातीय जनगणना कराने की बात हुई थी तो सर्वदलीय बैठक हुई थी और सभी एक साथ सहमत हुए थे, और हमें डेटा तो जरूर चाहिए। सीधे तौर पर तेजस्वी ने कहा है कि जब तक साइंटिफिक डेटा हमारे पास नहीं होगा तब तक हम बजट कैसे बनाएंगे, विकास कैसे करेंगे, लोगों को मुख्य धारा में कैसे जोड़ेंगे। ये जो PIL दाखिल हुआ है उससे किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और जो जातीय जनगणना है, जो जाति आधारित गणना है, उससे कोई
उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी और उस PIL से किसी तरह का कोई फर्क हमें पड़ने वाला नहीं है। जाति आधारित गणना से लोगों का ही विकास होगा और सभी लोग सहमत थे। तो ये फिर PIL आखिर दाखिल हुआ क्यों? सहयोगी विकास के साथ विशाल भारद्वाज, SG News पटना।